हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप ये विभा भी बिल्कुल अच्छे से है। चलो, आज का मेरा हुलिया देखकर आप सोच रहे होंगे विभा ने शर्ट डाल रखी है, उसके ऊपर झुमका पहना है, उसके ऊपर बिंदी लगा रखी है, तो ये यूट्यूब के रील्स और इंस्टाग्राम के रील्स कुछ भी करा सकते हैं। मैंने एक्चुअली सूट डाला हुआ था, बट उसके बाद मुझे ध्यान आया, देखो बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं लोग कि अभी मॉनसून वेदर में आप मेकअप को कैसे रिमूव करें या हमेशा ही मेकअप को कैसे रिमूव करें। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ मेकअप रिमूव करना बताऊंगी। मेकअप करना तो मैं बहुत ओकेजनली बताती हूँ, ज़्यादा नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ज़्यादा आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो मेकअप का, ओकेजनली बताऊंगी। चलो ठीक है, वो छोड़ दो। मेकअप को स्टेप बाय स्टेप कैसे रिमूव करते हैं, क्या लगाते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं वो सब मैं जो करती हूँ, देखो कुछ चीज़ें मैं वेदर के हिसाब से करती हूँ। मुझे अभी स्क्रब यूज़ करना है कि नहीं, रिमूव करने के बाद इस वेदर में करते हैं कि इस वेदर में नहीं करते, किस स्किन पे नहीं करते, कैसे नहीं करते, मैं वो सब आपको बताऊंगी। तो स्टेप को पूरा देखिएगा मैं कैसा वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप मेकअप रिमूव करते हैं तो सबसे पहले आपके जो एसेसरीज होते हैं, जैसे ईयरिंग्स हो गई या बिंदी हो गई, अब देखो शर्ट के हिसाब से ना अब हुलिया थोड़ा सा मैच करेगा। तो मैंने सबसे पहले आप अपना जो भी एसेसरीज हैं, जैसे बिंदी हो गई, ईयरिंग्स हो गई, ये सबसे पहले रिमूव करना है। एंड अब मैं आपको आगे के स्टेप दिखाती हूँ अपने बालों को टक करना है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मेकअप रिमूव करने के लिए देखो फेस मेरा एकदम सिंपल है, बाल खुले हुए हैं क्योंकि मैंने वीडियो शूट किया था। तो अभी जब कभी भी मेकअप रिमूव करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका, आपके जो बाल हैं या बालों में जो एसेसरीज हैं। मेरा क्लचर थोड़ा दूर था बट मैंने जैसे तैसे ले लिया, एंड रबड़ थी एक, तो उसको ना मैंने एक पोनी बांधी, पोनी बना के, क्योंकि जो आप माइसलर वाटर फेस वॉश या जो भी आप आगे यूज़ करोगे वो सब आपके बालों में ना लगे। तो जैसे तैसे मेरा किसी तरीके से लग गया, क्योंकि वीडियो बना के इतना थक चुके होते हैं ना कि रियल में बता रहे समझ नहीं आता कैसे क्या करूं, बस लगता है जैसे तैसे किसी तरीके से फेस रिमूव करूं और थोड़ा लाइट फील आए। तो अब मेरा फेस बिल्कुल रेडी है एंड मैं अपनी बिंदी रिमूव करूंगी। बिंदी मैंने सूट और साड़ी डाली थी तो मैंने बिंदी लगाया हुआ था, तो बिंदी को मैंने रिमूव किया। अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक कॉटन पैड होता है, एक मेकअप रिमूवल पैड होता है। तो ये कॉटन पैड है जो बेसिकली सभी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरे पास आईज मेकअप रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट है। एंड ये मेकअप रिमूवल पैड है जो कि इसका क्या ही बताऊँ, ये इतना अच्छा है। और ये है मेरा माइसलर वाटर लैक्मे का है जो कि बहुत लाइट है, इसमें पता नहीं चलता है कि ज़्यादा आपसे लगा है या क्या है, बट मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। सारे ही माइसलर वाटर अच्छे हैं, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से, जो मेरा मेकअप रिमूवल पैड था स्पॉन्ज टाइप के, देखो कितने अच्छे से मैंने सबसे पहले अपने आईज के मेकअप को रिमूव किया। यार लिटरली जब आईज का मेकअप रिमूव करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत तेज से बाउंस करके ऐसे तड़ाक से मारा हो, ऐसे ब्लैक ब्लैक सा ना मस्कारा और लाइनर सब कुछ जो भी होता है वो जब आंखें आईज मेकअप रिमूव करो तो आपको देखो कितना प्रोडक्ट होता है। तो मेकअप पहले सबसे पहले आप अपनी आईज का मेकअप रिमूव किया करो, क्योंकि आईज पे ना लेयर वाइज कलर्स होते हैं, मस्कारा होता है, आई लाइनर होता है, लोअर लैशेज पे होता है या फॉल्सेस जो लोग यूज़ करते हैं। मैं फॉल्सेज और लेंस दोनों ही यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने एक दो बार ट्राई किया तो मुझे आंखों से पानी आने लग गया, तो मैं ट्राई नहीं करती हूँ। और सेकेंड चीज़, उसके बाद जब आईज का मेकअप रिमूव करते हैं, मैं आईज का थोड़ा सा ज़्यादा रिमूव करती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है कि जब आप मैं मस्कारा वगैरह लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दो दिन जिस दिन मेकअप रिमूव करते हैं ना मेकअप करने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट डे भी ऐसा लगता है कि जैसे हमने मेकअप कर रखा, मतलब कुछ काजल वाजल लगा रखा है ऐसा लगता है। तो अच्छे से फिर लिप्स का मेकअप रिमूव किया, लिपस्टिक मेरी बहुत ईजिली से रिमूव हो गई, आप देख सकते हो। तो लिपस्टिक वगैरह रिमूव होने के बाद बहुत अच्छे से फेस के बाद आप देखोगे तो मैंने जो अपोजिट साइड, एक साइड तो पूरा गंदा हो गया, तो सेकंड साइड जो दूसरा साइड था उधर भी माइसलर वाटर लिया और अच्छे से फेस को रिमूव किया। आईब्रो वगैरह जो फिल थी, मुझे सच बता रही, मैं जब मेकअप रिमूव करती हूँ तो मेरी आईज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि आईज़ एरिया के पास और नोज़ एरिया के पास इस समय, क्योंकि मुझे बहुत दाने निकले थे, मैंने बताया था ना टच वुड किसी तरीके से अभी बंद है, तो मेरा आईज़ को जो आपको दिख रहा है कि मैं बहुत टाइट कर रही हूँ ऐसा नहीं, मैं बहुत हल्के हाथों से कर रही हूँ। तो मैंने आईज़ का मेकअप रिमूव कर लिया, पूरे फेस का मेकअप रिमूव कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है नेक की, क्योंकि जो भी मेकअप हम लोग करते हैं फेस से लेकर नेक तक करते हैं, तो मैंने पूरा नेक तक बहुत अच्छे से रिमूव कर लिया है सारा मेकअप,
जो भी था एक लेयर पूरी एकदम से रिमूव हो गई है। अब इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। अब इसको आप देखो ये कितना गंदा हो चुका, ओ माय गॉड, मैं इसको हटाऊंगी और फेस वॉश करके आके आपको दिखाती हूँ। एंड फेस वॉश मैंने किया है नॉर्मल फेस वॉश से नहीं किया है, मैंने किया है लोटस का ये D10 फेस स्क्रब है। एंड रियली आप देखो मुझे इससे जब मेकअप वगैरह करते हैं ना तो एक्स्ट्रा जो टैन सी होती है, जो लेयर सा होता है, वो इससे रिमूव हो जाता है। एंड इसके बाद बारी आती है एक फेस पैक की। तो ये मेरा एक फेस पैक है गुड वाइब्स का है उपटन फेस पैक, और आप इसको देखकर समझ सकते हो मैंने इसको कितना लगाया है। फेस पैक लगाने से क्या होता है, फर्स्ट काम आपने किया अपने मेकअप को माइसल और वाटर वगैरह से रिमूव किया, जो भी आपके पास है उससे रिमूव किया। रिमूव करने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बच गया था वो आपने रिमूव किया अपने फेस वॉश से। फेस वॉश के बाद इतना ज़्यादा मेकअप कर लेने से, देखो मेकअप में लेयर्स बहुत लगती हैं, आप प्राइमर लगाते हो, प्राइमर के बाद आप लेयर्स स्टार्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा, अगर आप कलर करेक्टर लगाते हो, वैसे मैं तो नहीं लगाती, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, ये ब्लश, ब्लाबला बहुत मेकअप लगता है यार। तो आपके फेस को एक्स्ट्रा केयर ज़रूरत तो होती है एक्स्ट्रा केयर की फेस पे, तो मैंने फेस पैक लिया। जो भी फेस पैक आपके पास हो, अगर आप DIY फेस पैक लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, बट मेरे पास था तो मैंने इसको लगा लिया। मैं वैसे एक फेस पैक कोई ना कोई अच्छा सा रखती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। एंड ये गुड वाइब्स का जो फेस पैक है ये बजट में है और बहुत अच्छे से लगता है। तो नोज़ एरिया के पास मेरे जो दाने निकलते थे, अपर लिप्स के पास मेरी जो स्वेटिंग होती है, मैं पूरे ही फेस की केयर करती हूँ, बट जो मेरा वैसा एरिया है कि हाँ यहाँ पे मुझे स्वेटिंग होती है या मेकअप रिमूव हो जाता है, मैं उस एरिया की केयर थोड़ी सी ज़्यादा करती हूँ। एंड अब इसके बाद जब फेस पे पूरा लगाएंगे तो अच्छे से लगा लेना, तो जो आपकी लेयर होगी ना फेस पे अच्छे से वो रिमूव हो जाएगा और फेस पे आपके जो मेकअप थोड़ा बहुत रह जाता है वो इस स्टेप के बाद पूरा ही रिमूव हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, फेस का केयर करते हैं बट नेक की तरफ नहीं जाते हैं। तो मैंने अपने डार्क सर्कल को मद्देनज़र रखते हुए आँखों को, आँखों के पास, और बहुत एकदम आँखों के पास नहीं बट हाँ आँखों के नीचे। इसके बाद आप लोग जो ये अपना गर्दन छोड़ देते हो ना नेक एरिया, देखो मैंने ये गलती की थी, मेरा नेक थोड़ा थोड़ा आपको कलर फेस से अलग लगता है, इसलिए मैंने फटाफट से नेक पे अपने लगा लिया और नेक पे भी बहुत अच्छे से लगाया है। ऐसा नहीं कि जो फिंगर में लगा हो बस उसी को लगा लूँ, ऐसा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से लगाया और पूरा ही नेक को कवर करने के बाद मैं अच्छे से जो लगा के फिर मैं इसको कम से कम 10 to 20 minutes, अभी गर्मी है तो सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 10 to 20 minutes वेट करूँगी, उसके बाद फिर इसको आपको दिखाती हूँ। मेरा फेस क्लीन हो चुका है, सारे स्टेप मैंने फॉलो किए, पहले मेकअप रिमूव किया, फिर उसके बाद फेस वॉश या स्क्रब जो हो उसको करो, फिर उसके बाद एक पैक वगैरह लगा लो जो आपके पास हो DIY या कोई भी जो भी हो, मैंने वो लगा लिया। इसके बाद जो भी आपका टाइमिंग जैसा है, तो मेरा दिन का टाइम था, दोपहर थी, तो मैंने मॉइस्चराइजर लगाया सॉरी एंड अपनी सनस्क्रीन लगाऊंगी। तो ये मेरा था मेक आफ्टर मेकअप रूटीन, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, बाय।